हेलो दोस्तों, आज हम आ गए आपके लिए एक और जबरदस्त बजट गेमिंग पीसी लेके सिर्फ और सिर्फ 72,000 रुपये में। गाइस, हमने जो ये पीसी बनाया इसके अंदर हमने एएमडी का ग्राफिक कार्ड यूज करा और एएमडी का प्रोसेसर ही यूज करा इसके अंदर हमने, और इसके अंदर हम मॉनिटर भी देने वाले हैं पीसी के साथ साथ, और कीबोर्ड माउस का कॉम्बो भी होने वाला है। तो गाइस, बात करते हैं डिटेल्स में इस पीसी के बारे में, हमने इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज करी है। भैया, इसके अंदर हमने जो प्रोसेसर यूज करा उसके बारे में बताइए। जो हमने इसके अंदर प्रोसेसर यूज किया है वो एएमडी का राइजन 5 5600 यूज किया है। इसके अंदर आपको 6 कोर और 12 थ्रेड मिलते हैं। ओके, और इसी के साथ जो हमने मदरबोर्ड यूज करा उसके बारे में बताइए। मदरबोर्ड जो हमने यूज किया है गीगाबाइट का B450 MDS3H यूज किया है। इसमें आपको 4 RAM स्लॉट मिलते हैं। क्या हमारा प्रोसेसर और मदरबोर्ड हो गया, तो रैम के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो हमने रैम यूज किया है क्रूशियल की 3200 MHz रैम यूज की है। ड्यूल चैनल में लगाने के लिए हमने 2 RAM यूज की है। इसके अच्छा परफॉर्मेंस दे। इसके अंदर हमने 2 RAM यूज करी है। उसके बाद SSD जो हमने यूज किया जियोनिस की 512 GB NVMe यूज की है, ताकि पीसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहे। ठीक है भैया, तो अब ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करते हैं। हमने जो इसमें ग्राफिक कार्ड यूज किया है AMD का RX 6600 यूज किया है, जो कि 8 GB का कार्ड है और फुल HD कार्ड है 1080p के पिक्सल में। और हमने जो प्रोसेसर यूज लिया है AMD का और AMD का ग्राफिक कार्ड लिया है, इन दोनों का परफॉर्मेंस एकदम बेटर होने वाला है। आपको गेमिंग खेलने में मजा आएगा और रेंडरिंग करने में और वीडियो एडिटिंग करने में खूब मजा आएगा। तो ओके, इसके बाद जो हमने पावर सप्लाई यूज करी इसके बारे में बताइए। पावर सप्लाई हमने जो यूज किया अटोम की V550 यूज की है, जो इस पीसी को रन करने के लिए काफी है। ओके, तो भैया अब कैबिनेट के बारे में बताइए। कैबिनेट जो हमने इसमें यूज किया एनटेक की NX 292 यूज की है, जिसमें आपको आगे 3 RGB फैन मिलते हैं और एक फैन पीछे ब्लैक मिलता है। ओके, इससे इसका जो एयर फ्लो है थोड़ा अच्छा होगा और सिस्टम कूलिस्ट रहेगा। ओके भैया, बात करते हैं मॉनिटर के बारे में। जो हमने से मॉनिटर लगाया है LG का 22MK 600 लगाया है, जो कि 75 Hz का मॉनिटर है और IPS है। ओके, और ये जैबरोनिक्स का जो हमने कीबोर्ड यूज करा इसके बारे में बताइए। जैबरोनिक्स का जो हमने इसमें कीबोर्ड लगाया है एक कॉम्बो है ट्रांसफॉर्मर, जो एक फुली RGB कीबोर्ड है और बजट में है। और हमने इसके अंदर लॉजिटेक का C270 वेब कैमरा यूज किया है, जो कि 720 पिक्सल का है, यानी कि HD क्वालिटी का है और काफी अच्छा ब्रांड है लॉजिटेक। तो गाइस, ये पूरा ऑल ओवर पीसी हमने कस्टमर के लिए बनाया था, तो उनको वेब कैमरा इसके अंदर ऐड करना था, हमने इसके वेब कैमरा ऐड करा इसके अंदर। भैया, एक बार इस ऑल ओवर पीसी का बजट बता दीजिए। इस ऑल ओवर पीसी का बजट है 72,000 रुपये। 72,000 रुपये पीसी का होने वाला है। तो भैया, अगर कोई ऑनलाइन भी परचेस करना चाहे तो कर सकते हैं ना? जी हाँ, ऑनलाइन परचेस कर सकता है, हमारे स्टोर पर विजिट कर सकता है और हमारी साइट है khareede.com, वहाँ पर भी आप जाके विजिट कर सकते हो और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो एक बार शॉप का एड्रेस बता दीजिए। हमारी शॉप का नाम है अविका रिटेल और शॉप का एड्रेस है 105 फर्स्ट फ्लोर, बिल्डिंग का नंबर है 3233 कुशल बाजार। ओके, जो नेहरू प्लेस के अंदर पड़ती है। और ये पीसी हमने ना अपने कस्टमर के लिए बिल्ड किया है, अभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, जो चीज हमने वो सब चीज इसमें ऐड कर दी है और अभी कस्टमर को रन करके दिखाएंगे, इसको असेंबल भी करके दिखाएंगे और कस्टमर को रन करके भी दिखाएंगे इसको। हाँ। अगर गाइस, अगर आपको भी ऐसा पीसी परचेस करना हो तो आप आ सकते हैं हमारे स्टोर पर, जिसका नाम है अविका रिटेल्स, नहीं तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, अगर आपको भी ऐसा पीसी चाहिए हो तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके वहाँ पर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।